नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A25 5G versus Vivo Y200 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A25 5G में 6.34 इंच जबकि Y200 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A25 5G में 3.01 इंच जबकि Y200 Pro 5G में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A25 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A25 5G में 0.33 इंच जबकि Y200 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A25 5G में 197 ग्राम जबकि Y200 Pro 5G में 172 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A25 5G में सुपर एमोलेड जबकि Y200 Pro 5G में एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A25 5G में 19:5:9 जबकि Y200 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A25 5G में 6.5 इंचेस जबकि Y200 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A25 5G में 1080x2340px FHD जोड़ और Y200 Pro 5G में 1080x2400px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A25 5G में 84.02% जबकि Y200 Pro 5G में 90.1% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A25 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y200 Pro 5G में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A25 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Y200 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A25 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y200 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A25 5G में माली G68MP4 जबकि Y200 Pro 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A25 5G में Samsung Exynos 1280 और Y200 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की RAM मिलती है, जबकि Y200 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y200 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A25 5G में अप टू 1 TB जबकि Y200 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो A25 5G में 3 कलर्स जबकि Y200 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹22,490, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹29,999 में मिलता है। और बात करें Y200 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹24,999 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A25 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y200 Pro 5G की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A25 5G आगे है, मेन कैमरा में Y200 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A25 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco X6 5G है, दूसरा Tecno Camon 35G है, तीसरा Realme 12 Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।